हेलो दोस्तों, मैं रायबरेली से धर्मेंद्र सर श्री साईं यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कल हमने आपको अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी उम्मीदें जगाई हैं, पसंद किया है। आज हम जो है उसी पर जो है हिंदी वर्णमाला के आज दूसरे भाग पर आपसे बातचीत करेंगे। कल हमने आपको हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, स्वर व्यंजन अयोगवाह, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन पर बातचीत की थी। आज हम वर्णमाला के दूसरे भाग पर आपसे बातचीत करते हैं। आइए हम लोग वर्णमाला के दूसरे भाग पर बातचीत करते हैं। वर्णमाला का दूसरे भाग पे हम लोग आज पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। वर्णमाला के दूसरे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस पे आपसे बातचीत करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर कौन कौन से हैं, आ आ ई ई ऊ री ए ए ओ और औ। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर जो है वो ये हैं, इनकी संख्या कल मैंने आपको 11 बताई थी, आ आ ई ई ऊ री ए ऐ ओ और औ। तो स्वरों की संख्या कल 11 बताई थी, आज उन्हीं 11 में से हम लोग बातचीत करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। पहला कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर होता है। और ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब अगर बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो आ ई ऊ और री, ये चार जो हैं, आ ई ऊ और री, ये चार जो हैं इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर का मतलब है कि इनके उच्चारण में एक मात्रीय समय खर्च होता है और अगर एक एक मात्रा है तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो स्वर का पहला प्रकार है जिसका नाम है ह्रस्व स्वर। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है, दीर्घ स्वर। दूसरा प्रकार है, पाने समझ में आया कि नहीं, दूसरा प्रकार है जिसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगा था और ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें लगता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगर हम आ की तुलना में देखते हैं, आ ई ऊ ए ए ओ और औ, तो अगर हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं
दीर्घस्वर की बात करते हैं तो दीर्घस्वर में जो है आ ई उ ए ऐ ओ और औ, तो ये सात कौन से हैं, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में जो है वो दोगुना समय लगता है, विकास ठीक से बैठो यार, ठीक है, इनमें जो है दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ये एकमात्री है, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है और इसे इन्हें द्विमात्रीय भी कहा जाता है, क्योंकि द्विमात्री का मतलब है अगर इन पे देखें इनमें सम में दो दो मात्राएं आएंगी और द्विमात्रीय का मतलब है कि वो कौन से स्वर हैं, वो दीर्घ स्वर हैं। अब अगर बात करते हैं तो अंतिम स्वर का प्रकार बचता है जिसे क्या कहा जाता है, पुलुत स्वर कहा जाता है। पुलुत स्वर किसे कहा जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में तीन गुना समय लगता है, तीन गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में तीन गुना समय लगता है वे पुलुत स्वर कहलाते हैं। पुलुत स्वर जो बनते हैं वो अवग्रह की सहायता से बनते हैं। अगर हम बातचीत करें तो ये लिखा हुआ है राम, राम लिखा हुआ है और ये प्लुत स्वर नहीं है। अगर हम इसी को अवग्रह की सहायता से लिखते हैं ये राम, तो इसमें गूंज होती है और राम को हम राम कहकर जो है उच्चारण करते हैं, तो तीन गुना उच्चारण होता है और अगर उच्चारण तीन गुना होता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। उसी तरह से अगर हमने ये ओम लिखा तो ओम प्लुत नहीं है, लेकिन अगर ओम को अवग्रह की सहायता से लिखते हैं, ये जो निशान है ये लगेगा, ये अवग्रह का निशान है, तो ये कौन से हैं, इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो फिर से स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है और ये एकमात्री होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं और ये द्विमात्री होते हैं। और अगर हम प्लुत की बात करते हैं तो इन में तीन गुना समय लगता है और तीन गुना समय इस अवग्रह की सहायता से लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। विकास समझ में आया, सूरज आप बताओ समझ में आया, अच्छा ठीक है। आइए हम अभी तक हमने स्वर के प्रकार पढ़े हैं, अब हम व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इस पर बातचीत करते हैं। स्वर तीन प्रकार के, तो व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के और व्यंजन के प्रकार पढ़ते हैं, व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आइए व्यंजनों की बात करते हैं, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा, ये का वर्ग है, ये पूरा क्या है, का वर्ग है। फिर चा छा जा झा इया, और इसे क्या कहा जाता है, इसे चा वर्ग कहा जाता है। ये क्या है, चा वर्ग है, टा ठा डा ढा आरा, और इसे क्या कहा जाता है, ता वर्ग कहा जाता है। और ता था दा धा ना, इसे ता वर्ग कहा जाता है। और अब अगर बात करते हैं आगे, तो पा फा बाभा मा, इसे पा वर्ग कहा जाता है। वर्ग पांच ही होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आगे या रा लावा सा सा सा, या रा लावा सा
सा, हाँ फिर से देखते हैं, यारा लावा सा 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 हा, ये 8 व्यंजन कल हमने बताया थे। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। इन 33 व्यंजनों में से अगर हम बात करते हैं तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। अब आइए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। हम बातचीत किसकी करते हैं? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन, का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। विकास, का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 पच्चीस होती होती है है। और का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये पूरा का वर्ग से पा वर्ग पूरा है और इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 पच्चीस होती है। इन्हें स्पर्श व्यंजनों में चा छा जा झा तक की अगर बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? इन्हें स्पर्श के साथ साथ संघर्षी भी कहा जाता है। इन्हें स्पर्श के साथ साथ क्या कहा जाता है? संघर्षी कहा जाता है। और ये सिर्फ चाचा यानी चावल की बात है, चाचा जाजा इनकी बात है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और उसके बाद जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो यारा लावा या रा लावा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यारा लावा कौन से व्यंजन है? अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन है। और अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता? ऊष्म। इनको ऊष्म इसलिए कहा जाता है कि इनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। क्या निकलती है? गर्म वायु निकलती, तुषा सा हा, ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इन्हें ऊष्म के साथ साथ संघर्षी भी कहा जाता है। आइए, भैया गुरु जी, संघर्षी क्या होता है? संघर्षी का मतलब है इनके उच्चारण करने में हमारे मुख को जो है वो, जो हमारी जिह्वा होती है उसको संघर्ष करना पड़ता है। शा शा, तो शा का मतलब है जीभ तालू से छूती है, ठीक है ना, तो संघर्ष करती हुई दिखती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संघर्षी कहा जाता है। आइए फिर बातचीत करते हैं व्यंजन की। हमने बातचीत की व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसमें चा वर्ग संघर्षी होता है। उसके बाद अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ओस व्यंजन क्या होते हैं? सा सा साहा, इन्हें ओस व्यंजन कहते हैं। ये ओस के साथ साथ संघर्षी भी होते हैं। समझ में आया दिलीप? जी, आपके समझ में आया हाँ भैया विकास? जी भैया, चलिए, वर्णमाला का हमने दूसरा भाग समाप्त किया। इसके आगे फिर हम तीसरे भाग पर बात करेंगे। धन्यवाद।